असल नाजरीन मैं हूं असद अली तुर अपने प्रोग्राम असद तुरसनसड के साथ आज हम आपको बड़ी अंदर की खबरें देंगे हम आपको बताएंगे कि ये जो युसफ गिलानी के साहबजादे अली हज़र गिलानी की वीडियो आई है कि वो आ, वोट के लिए बात कर रहे हैं कि पी के, के मंबरान से के वोट ज़ाया कर दो वो कहानी है क्या इसके अलावा हम आपको ये भी बताएँगे कि जो आज सेनेट इलेक्शन हो रहा है इसमें जोड़ तोड़ क्या है क्या नंबर है और किस तरह होने जा रहा है और किसके जीतने के इमकान रज़ा तो गिलानी के या हफीज सेख के जो तो सबसे बड़ा टाँक रहा है और सिंध असम्बली में क्या होने जा रहा है इसके अलावा हम आवाज को आज को आज आपको ये भी बताएंगे कि जो जस्टिस कादिफ आयीसा ने कहा जिस पर बहुत ज़्यादा कल से सोशल मीडिया पर बात हो रही है कि ऐसा नहीं लगता कि पाकिस्तान में नहीं ऐसा लगता है कि हम पाकिस्तान में नहीं गटर में रह रहे हैं उसके बारे में बताएँगे कि उन्होंने किन के बारे में कहा और क्या था ये इसका और क्यों उनकी बात दुरुस्त है हम आपको ये बताएँगे आज तो अब सबसे पहले आपको बताते हैं कि कल एक वीडियो आई अली आईर गिलानी की जिसमें जिसका उन्होंने अतराफ़ भी किया कि उनकी पी टी आई के मम्मरान से बात हुई थी और पी टी आई के कुछ एम एन एस ने उनसे खुद रबता करके जो कि उनके दोस्त हैं उनसे मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया और जाकर उनसे कहा कि हम यूसर रजा गिलानी को वोट कर देते हैं जो कि उनके वालद हैंदर गिलानी के और कहा कि लेकिन हमें खदचा यह है कि पी टी आई हमें बैलेट मार्क करके देगी तो हम क्या करें तो उन्होंने कहा उस सूरत में आप वोट को जा गिलानी के नाम पर जाया कर दें ताकि अगर आप युसफ रजा गए तो आपका वोट अब्दुल रफी शेख को भी ना टिपिकल टेक्टिक होता है कि कौमी असंबली में आज जितने मेबरान मौजूद होंगे उनकी अकसरत की बुनियाद पर सेंटर मुंतब होगा उनकी अक्सरत जिसको वोट करेगी तो वही लाजमी नहीं है कि अब्दुलरफी शेख एक सौ बहत्तर वोट लें या फ रजा गिलानी एक सौ बहत्तर वोट लें जो भी दस्त्याब मेबरान की मेजोरिटी जिसको वोट कर देगी वो इलेक्शन जीतिएगा तो उन्होंने कहा कि अगर दस्तियाब मेबरान की मेजोरिटी अगर पीटीआई की भी हो तो उनके वोट ज़ाया हो जाए तो जो अपोजिशन के मेबरान के वोट हैं वो ऑटोमेटिकली ऊपर चले जाएंगे और उनके वाले जीत जाएंगे लेकिन अब एक सवाल जो लोग उठा रहे हैं उसमें यह है कि पी के मेम्बरान को पी कैसे बैलेट पेपर मार्क करके देगी ये कैसे हो सकता है तो हम आपको बताते हैं आज इसके पीछे कहानी क्या है वो कहानी ये है कि 2018 के इलेक्शन में पीटीआई ने अपने एम को कहा था कि पहला एम जब जाएगा तो वो बैलेट पे मार्क करके वोट कास्ट उसको कास्ट नहीं करेगा बल्कि उसकी जगह सादा पर्ची डाल के बैलेट बॉक्स में अपना वोट बाहर लेगा और जो उससे अगला मेंबर होगा उसको वो वोट दिया जाएगा कि अब आप जाकर ये वोट कास्ट करेंगे और अपना वोट आप इधर ले आएंगे फिर हम इधर से मार्क करके देंगे तो उन्होंने एक चेन बना दी कि जो वोट था जो कास्ट सुनाता था वो मेंबर बाहर लेके आता था और बाहर से ये कास्ट करके अंदर भेजते थे आ, 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 मार्क करके भेजते थे पीटीआई का तो वो उस कदसे का इजहार यहाँ पर कौमी असम्बली के मेबरान कर रहे थे कि कहीं यही कौमी असम्बली में पी टी आई ने अमल दोहराए अपने मेम्बरान पर शक करते हुए तो सवाल ये है कि इसमें एक बड़ी दिलचस्प बात सामने आई कि ये एक्सरसाइज के पी में दो हजार अट्ठारह में प्रवेश खटक साहब कर रहे थे जो उस वजीर अला थे खैर पख्तून के अब बात यह है कि उसके बावजूद तहरीके इंसाफ के मेबरान ने बिके उन्होंने पार्टी लाइन से हट के वोट दिया तो अगर प्रवेश खटक देख रहे थे किसका वोट मार्क हो गया किसके लिए जा रहा है और उनकी आंखों के सामने हो रहा था तो इसका मतलब है कि वो बात दुरुस्त है कि प्रवेश खटक की ही हदायत पर पैसे लिए गए पीटीआई मेम्बर ने वो बिके प्रवेश खटक ने ही डील करवाई और असद खटक असद कैसर के घर पर यह डील हुई इसीलिए वो 21 बीस इक्कीस वोट बाहर गए पीटीआई के वरना प्रवेश खटक के सामने मार हुए हुए वोट कैसे बाहर जा सकते थे तो एक तो ये बात अब साबित तो हुई अब जहां तक रहा कि ये पीटीआई लेके गई है दरख्वास्त यहाँ पर इलेक्शन कमीशन में कि क्या यूसुफ रजा गिलानी को रजा गिलानी को डिसक्वालीफाई कर दिया जाए इसके बाद तो ये इलेक्शन कमीशन इस तरह से नहीं डिस्कालीफाई कर सकता उसको पहले ये देखना होगा कि क्या अली हैदर गिलानी ये यूसुफ रजा गिलानी की हदायत पर और उनसे राबे में थे और ये हदायत दे रहे थे कि आप इस तरह से वोट को ख़राब करें या कोई और अ... अली हैदर गिलानी अपने तौर पर काम कर रहे थे तो अगर तो गिलानी का और यूसुफ रजा गिलानी का इन मामलों की हदायत का कोई ताल्लुक साबित नहीं होता तो फिर यूसफ रजा गिलानी को कोई नाहल नहीं कर सकता इलेक्शन लड़ने से आज और दूसरी बात यह है कि आप जहाँ तक रहा यूसुफ रजा गिलानी की जीत और आ, अली हैदर गिलानी का तो एक बात तो बिलावल भुट्टो की सच साबित होगी यूसुफ रज़ा गिलानी को सिलेक्शन में खड़े करने से कि उन्होंने कहा था कि मैं सिर्फ हम अगर पी डी एम इमरान ख़ान के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मूव ले आए तो हम चाहे कि प्याली पर भी अगर पी डी एम के कायदीन मशावरत के लिए बैठा करेंगे या किसी जमात से या मंबरान से रता करके उनके साथ चाय पर बैठा करेंगे तो भी पी टी आई की दौड़े लग जाएंगी तो बात यह है कि उन्होंने एक यूसुफ रदय गलानी को खड़ा किया और पूरी पीटीआई की दौड़ें लग गई हफीज शेख पूरे पाकिस्तान में घूमते फिर रहे हैं मम्बरान को पीटीआई ने होटलों में ठहरा दिया है ये एक और छांगा मांगा हो रहा है और कि वो कहीं किसी और पार्टी से रबते में ना आए मम्बरान अगवा किए जा रहे हैं और ख़ुद पी टी अगवा कर रही है वीडियो मौजूद है सिंध असम्बली से बुजुर्ग इमरान खान इतने दिन से कौमी असम्बली में जाके बैठ रहे हैं और वो में जो उनका ऑफिस उधर बैठ रहे हैं और तमाम पी के मेम्बरान से मुलाकात कर रहे हैं और अब ये बार बार सामने आ रही है आज भी डाल के खबर है कि वैसे उन्होंने वादा किया सबसे क्या हम आपके हल्कों में डेवलपमेंट स्कीम्स लाएंगे डेवलपमेंट फंड देने का वादा किया है तो दौड़ें तो लग गई पी की तो अब लेकिन ये है कि यूसुफ गिलानी जो उनसे हैं वो शायद जीत तो ना पाए लेकिन मुकाबला बहुत ही क्लोज कॉन्टेस्ट होगा और जो हफीज शेख है उनको जितवाने का असल में स्टेबलिशमेंट और पी पूरी जोर लगाएगी और जितवाएगी उसकी वजह यह है कि आई से डील वरना खटाइम पड़ देगी अगर आई से जो बंदा हम लाए और आई ने कहा कि वो सिर्फ उस तरफ में प्रोग्राम देगी कि हमारा बंदा वो प्रोग्राम चलाएगा तो वो बंदा उन्होंने हफीज़ शेख दिए जो कि पाकिस्तानी अब उस तरह से हम नहीं उनको कह सकते लेकिन वो यहाँ पर आए अब वो प्रोग्राम चला रहे हैं और आप देखिए कि वजरअम इमरान खान इकनॉमिक हिटमैन का हमें कहते थे तो खुद उन्होंने एक इकोनॉमिक हिटमैन लिया पाकिस्तानी मीशत चलाने के लिए और अब देखिए कि पाकिस्तान के बीच में आ, अभी आई प्रोग्राम कोविड का आने के बाद थोड़ा रुका था तो अब देखिए कि उस दौरान में हालांकि मुल्क में कोरोना बहरान की वजह से मीशत सफ़र कर रही थी लेकिन इकॉनमी बेहतर होने लग गई आपकी टेक्सटाइल की आउटपुट जिसे कहते हैं बहुत ज़्यादा बढ़ गई आपकी फैसलाबाद की और कराची की इंडस्ट्री दूसरी दफा फुल थ्रोटल पर चल रही थी आपकी इन्फ्लेशन गिर के 5.7 तक आ गई लेकिन आप देखिए कि आईएमएफ का प्रोग्राम अभी जनवरी में शुरू दोबारा हुआ है। कोविड के बहरान में जब माशी बहरान था तो हमारी मैशत बेहतर परफॉर्म करने लग गई थी लेकिन आईएमएफ का प्रोग्राम दोबारा आपते शहार अब हमारी मैशियत की याद है कि महंगाई पाँच सात से बढ़कर आठ सात पर चली गई है बिजली की कीमतों में इजाफा हो गया है घी तेल आटा चीनी हर चीज चीनी सौ रुपये क्रॉस कर गई एक सौ दस पंद्रह रुपये पहुंच गई है आटा बढ़ गया तो बिजली की कीमतें बढ़ गई पेट्रोल की कीमतें एक सौ बारह रुपए लीटर पे खड़ी हुई हैं तो ये सब कुछ क्यों हुआ क्योंकि हम दोबारा आई प्रोग्राम में चले गए हमारी इंडस्ट्री दोबारा सफर करने लग गई महंगाई बढ़ गई आवाम का दोबारा बोझ आ गया और ये कौन लाए अब्दुल हफीज शेख आईएमएफ प्रोग्राम के जरिए दोबारा कंटिन्यू करने की वजह से लेकिन वजीर इमरान खान इसी इकोनॉमिक हिटमैन को कौमी इसमें से जितवा रहे हैं ये है वजीर इमरान खान की अपने अवाम के साथ लॉयल्टी जो वो कहते थे कि मैं आप पर टैक्स लगा के नहीं मीशत चलाऊँगा ये वो कर रहे हैं मैं महंगाई करके नहीं हुकूमत चलाऊँगा ये वो कर रहे हैं वो एक इकनॉमिक हिटमैन को आज इस्लामाबाद से मंतख करवा रहे हैं वैर इमरान खान और पाकिस्तानी इस्टबलिशमेंट यानी कि पाकिस्तानी फौज मुंतखब करवा रही है हफीज़ शेख को तो बहरहाल तो ये रो हफीज़ शेख साहब को जितवाने के लिए है और आप देखिए उसके बाद फिर वो जिसकसम की अब तहरीक इंसाफ आपको पता है चीज़ों में तो माहिर है सोशल मीडिया पे ट्रेंड्स चलाने और ये वीडियोस कल्चर लाने में सारी पता है वो तहरीक इंसाफ के पीछे जो है असल में तो वीडियोस वही बनाते हैं तो उन्होंने अली हैदर गिलानी को ट्रैप किया मुलाकात का कहकर और वहाँ पर मुलाकात करते हुए उनकी वीडियो बना ली तो बात यह है कि ये इसी वजह से जस्टिस कादी फाइज ईसा ने कल समाप्त के दौरान कहा कि ऐसा नहीं लगता कि हम पाकिस्तान में रह रहे हैं बल्कि ऐसा लगता है कि हम किसी गटर में रह रहे हैं उसकी वजह जी आप देखिए कल से एक सोशल मीडिया पर इंतहाई तोहना में ट्रेंड चल रहा है जो तहरीक इंसाफ और आ, जाहरी बात है इस्टेब्लिशमेंट के परवरदा सोशल मीडिया सेल्स चला रहे हैं कि काजी फायज ईसा गटर की पैदावार क्यों ये ट्रेंड चल रहा है ये बात साबित होगी कि जस्टिस काजिफाइन दुरुस्त कहा था जब इतनी गलाजत आ रही कि सोशल मीडिया पर गालम गलोच के ट्रेंड हुकूमती जमात के लोग चलाएं वो गालियां दें आके तो फिर क्या बचता है पीछे जब शहबाज़ गिल जैसे लोग खुतिन पार्लियो को हरासा करें उनको बुरा भला कहें तो कैसे ये ट्रेंड इस मुल्क को हम गटर नहीं कहेंगे इस मुल्क में गालम गलोच पुप्फी नानी माई ये वो इसकी तोहिन का ट्रेंड कौन लाया है ये पी लाई है पी टी के लाने वाले लाए हैं तो और ये वीडियोस बनाना वीडियोस बनाकर ब्लैकमेल करना इस मुल्क में जजेस को ब्लैकमेल करना वीडियोस से उनसे अपनी मर्ज़ मर्जी के फैसले लेना ये काम कल्चर है सियासतदानों को ब्लैकमेल करना वीडियोस बना के कि कौन कर रहा है आपको भी मालूम है हमें भी मालूम है तो फिर हम इसको गटरना कहें तो क्या कहें जब फोहश वीडियोज़ बनाई जाएँ और उसकी बुनियाद पर फ़ैसले लिए जाए जस्टिस कादी फ़ायजिशा को हरास किया जाए उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस लाए जाए, तो ये मुल्क गटर नहीं है तो क्या है ख़ुद फैसला कीजिए बार हम आपको अपडेट करते रहेंगे अपना ख्याल रखिए सलामत रहिए अल्लाह हाफिज।